हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आरूल जी के हाब मैं आज पढ़ाने वाला हूँ बेसिक जनरल साइंस एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग ए पी एग्ज़ाम के लिए तो चलिए एक पॉजिटिव नोट का साथ शुरू करते हैं हार्ड वर्क टेलन व्हेन टेलन डजन वर्क हार्ड स्टेटेड टीम नोट के तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट का साथ आगे बढ़ते हैं First question The layer of air around the earth is known as the correct option is option D atmosphere. Next question Which of the following parts of the sun is easily visible only during a total solar eclipse? Solar eclipse ka samay mein, sun ka konsap आराम से दिखाई देता है बोला तो द राइट ऑप्शन इस ऑप्शन सी कोरोना कोरोना जो कौन सा है कोरोना जो सान का आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोना ये पार्ट को जो बाउंड्री में है इनर होने से कोर बोलेगा हम लोग तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है सोलर एक्लिप्स में सन और अर्थ के बीच में Moon जो मूव करता है, ये मान लो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है सन और आर्ट के बीच में मून जो मूव करता है तो एक्जेक्टली जब मून जो सन का सेंटर में आ जाएगा तब सन का ऑलमोस्ट इंटीरियर पार्ट को वो ढाक के रख देगा सिर्फ बाउंड्री वाला पार्ट जो क्या है हम लोग का आर्ट से दिखाई देगा मीन्स कोरोना पार्ट को दिखाई देगा तो टोटल सोलर इकिप्स में क्या होता है मून जो सन को ऑलमोस्ट ढक देता है एक्सेप्ट बाउंड्री पार्ट लिए हम लोग कोरोना को दिखाई देगा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हु डिस्कवर्ड एटम एटम को किसने डिस्कवर किया था द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जॉन डाल्टॉन तो एटम क्या है एटम जो बेस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है तो एटम को डिस्कवर किया है जॉन डाल्टन ने और एटम का अंदर में क्या क्या होता है एग्जैक्ट बीच में न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का अंदर क्या क्या मिलता है हम लोग को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है न्यूक्लियस का अंदर में और न्यूक्लियस का बाहर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस घूमता है लाइक आर्ट ऑटे अराउंड द सन तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन को न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन को डिस्कवर किया है आर्नेस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है आर्नेस रदरफोर्ड ने और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन को जे जे थम्सन ने इलेक्ट्रॉन को जे जे थम्सन ने डिस्कवर किया है और अंदर का जो न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे है सो किसने डिस्कवर किया है इसको न्यूट्रॉन को क्या है जेम्स चैटविक ने जेम्स चैटविक ये इंपॉर्टेंट है आप लोग कॉपी में नोट बना के रखिएगा मैंने पीडीएफ में सुंदर से नोट्स बना के रख दिया है आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा उसमें जाके फ्रीली पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िएगा हम लोग अगला क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड एटम बम एटम बम को किसने डिस्कवर किया था राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जे आर ओपेन हेमर हाल ही में उसका मूवी भी आया था ओपेन बोल के दुआ है तो ये मनहटन प्रोजेक्ट से रिलेट करता है मैनहटन प्रोजेक्ट और बम को वर्ल्ड वार टू में यूज़ किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान में जिसमें लाखों लोग मारा गया था और एटलास जे आर ओपन हेमर बहुत रिग्रेट किया है उसका काम को लेके क्योंकि वो मैनहेटन प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी था और एडवर्ड टेलर ने क्या डिस्कवर किया है एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को डिस्कवर किया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट does an airbag used फॉर सेफ्टी ऑफ a कार ड्राइवर contains? गाड़ी का एयरबैग में क्या होता है बोले राइट ऑप्शन दिखाई दे रहे आप लोग ऑप्शन सी सोडियम एजाइड सोडियम एजाइड का फॉर्मूला है एन ए एन थ्री तो जैसे ही कार एक्सीडेंट होता है चार्ज पार्टिकल ट्रिगर होके सोडियम एजाइड को एक्टिव कर देता है सोडियम एजाइड एक्टिव होकर क्या करता है वो नाइट्रोजन को रिलीज करता है तो जैसे ही नाइट्रोजन रिलीज होगा वो एक एयरबैग का काम करता है तो सोडियम एजाइड नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है तो जैसे ही नाइट्रोजन रिलीज होता है वो एयरबैग का काम करता है का। जहाँ से एक्सीडेंट होने का समय में ड्राइवर को बचाता है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द filament ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अब लोग इलेक्ट्रिक बल्ब तो देखा ही है तो पुराना वाला इंकडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग दिखाई देता था अंदर में ऐसा करके फिलामेंट होता है आजकल तो एलईडी आ गया दिखाई नहीं देता है तो ये कौन सा मेटेरियल से बना हुआ है बोला ये अंदर का फिलामेंट तो वो ऑप्शन बी टंगस्टन से बना हुआ है टंगस्टन को क्यों यूज किया बोलने से टंगस्टन जो लगभग तीन हजार डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर को सह सकता है क्योंकि बल्ब को तो ज़्यादातर जल के ही रहता है ना तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है कि बल्ब खराब हो सकता है बल्ब का अंदर जो भी वायर लगा हुआ है तो जल्दी खराब नहीं होने के लिए क्या यूज करता है टंगस्टन वायर को यूज़ करता है क्योंकि टंगस्टन वायर जो लगभग तीन हजार डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर को सह सकता है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं विश ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स पेंसिल्स में कौन सा मेटेरियल uh, को यूज करता है बोला है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ग्राफाइट ग्राफाइट को क्यों यूज करता है क्योंकि वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करता है पेपर में वो इम्पोर्ट करता है अच्छा इम्प्रेशन इसके लिए हम लोग पेंसिल में ग्राफाइट को यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of द फॉलोइंग plants इज नॉट capable ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ऑन फूड कौन सा प्लांट्स खुद खाना नहीं पका सकता है ऑप्शन सी मशरूम तो जितना भी ग्रीन प्लांट्स है वो लोग खाना खुद पकाता है कैसे पकाता है बने से वो लोग बदन में क्लोरोफिल होता है जिसका वजह से वो फोटोसिंथेसिस हो पाता है लेकिन मशरूम में क्या है क्लोरोफिल नहीं मिलता है इसके लिए यहां पर फोटोसें फोटोसेंथेसिस नहीं होता है जिसका वजह से वो खाना खुद नहीं पका सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन विश विटामस हेल्प्स इन ब्लड क्लॉथिंग खून रोकने में कौन सा विटामिन काम आता है बोले ऑप्शन इज ऑप्शन डी विटामिन के विटामिन के जो क्या है खून रोकने में काम आता है हम लोग का जैसे कि हाथ या पाँव कहीं में काट गया तो हम लोग का विटामिन के जो खून को रोकने में मदद करता है क्योंकि तो विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है जैसे कि कैबेज हो गया ब्रोकली हो गया स्पिनाच हो गया ये सब में विटामिन के मिलेगा तो आप लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉडीज दैट ग्लो ड्यूरिंग द नाइट स्काई आर नॉन एज कौन सा रात को चमकता है यहां से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सेलेशियल बॉडीज सेलेशियल बॉडीज लो रात को चमकता है एग्जाम्पल स्टार्स हो गया ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर एटमोस्फेयर का सबसे नीचा वाला भाग्य कौन सा है बोला तो राइट ऑप्शन नेप्शन सी ट्रोपोस्फियर आप लोग याद रखिएगा टी एस एम आई एसमी टी फोर ट्रोपोस्फियर एस फोर स्टेटोस्फियर एम फोर मेसोस्फियर आई फॉर आयोनोस्फियर ई फॉर एक्जोस्फियर ध्यान दीजिएगा इसको याद करके रखिएगा टेस्मी टी फॉर ट्रोपोस्फियर एस फॉर स्टेटोस्फियर एम फॉर मेसोस्फियर आई फॉर आयोनोसफियर एंड ई फॉर एडजोस्फियर ये क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस में काफी पूछा जाता है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं द ब्लू कलर ऑफ द स्काईज ड्यू टू आकाश क्यों नीला कलर का दिखाई देता है बोले राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो जैसे ही लाइट मानव सनलाइट एटमोस्फियर से गुजरता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है ये लाइट स्केटर करता है और सनलाइट में क्या होता है कलर होता है वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड और सबसे कमती वेबलैंड वायोलेट इंडिगो ब्लू का होता है और रेड का सबसे ज्यादा होता है सबसे कमती वेब लैन मीन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ब्लू कलर का वेबलैन कम होने की वजह से क्या है सबसे ज़्यादा स्केटर करता है आसमान में वायलेट और इंडिगो भी होता है बहुत सारा लेकिन ये हम लोग का आँख में सेंसिटिव नहीं होता है ब्लू कलर जो हम लोग का आँख में सेंसिटिव होता है इसके लिए ब्लू कलर बन जाता है स्काई जो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्केटर करता है दैट मीन्स डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मिरर यूज इन व्हीकल इज गाड़ी में कौन सा मिरर यूज करता है बोला द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है और वो इरेक और छोटा सा इमेज देता है छोटा सा इमेज इन द सेंस मान लो ये आईना है पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर करता है वो कनकेफ होने से वो कवर नहीं कर पाएगा पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो ढक के रख देगा तो इसके लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ताकि पीछे में कौन क्या आ रहा है वो सब दिखाई देने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लेर्स ड्यूमन स्किन है आदमी का शरीर में स्किन का कितना लेयर एडजस्ट करता है बोला ऑप्शन इप्शन सी थ्री लेयर्स ऑफ स्किन तो मान लीजिए यह स्किन है सबसे ऊपर भाग को हम लोग बोलेगा एपिडर्मिश बीच वाला पार्ट को बोलेगा हम लोग और सबसे अंदर वाला बिलो पार्ट को बोलेगा हम लोग हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस इतना डीपली तो नहीं पूछेगा आप लोग कीजिएगा कितना लेयर है तो ह्यूमन बींग्स का स्किन में कितना लेयर होता है तीन लेयर का होता है एपिडर्मिस डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस नेक्स्ट क्वेश्चन लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को दर्जाता है लाइक लाइकेंस क्या होता है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जो कि फंगस और एलगी दोनों मिलके फॉर्म होता है दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से लाइकेंस बनता है तो लाइकेंस और एक बेस्ट इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बोन्स दस एन एडल्ट ह्यूमन हैव एडल्ट ह्यूमन में कितना हड्डी होता है द राइट ऑप्शन ऑप्शन इज बी बोन्स बच्चा का बर्थ समय में कितना होता है नियरली थ्री हंड्रेड बोन्स होता है तो जैसे मेच्योरिटी मेच्योरिटी तरफ जाता है हड्डी कम हो जाता है और एडल्ट समय में टू हंड्रेड सिक्स रह जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वन किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स एक किलोमीटर में कितना माइल्स होता है बोला द राइट ऑप्शन ऑप्शन इज डी किलोमीटर क्वेश्चन आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू को याद कीजिएगा माइल्स जो क्या है ज्यादा होता है किलोमीटर का कंपेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन बेल मेटल इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ बेल मेटल जो चार्ज मंदिर वगैरह में लगाता है वो जो कौन सा मिक्सर से बना हुआ है ऑफ राइट ऑप्शन ऑप्शन बी Tin एंड कॉपर जहां में tin लगभग ट्वेंटी टू परसेंट होता है और कॉपर जो लगभग सेवेंटी एट परसेंट मिला होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल पोल्यूट दिग सिटी बड़ा बड़ा शहर जो कौन सा मेटल से पोल्यूट करता है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी लेट नेक्स्ट क्वेश्चन बैलून्स फिल विच एयर बैलून्स में कौन सा गैसा गैस भराया जाता है बोले राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हीम ही गैस को भराया जाता है क्यों भराया जाता है क्योंकि वो बहुत हल्का होता है एलएम गैस नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीजी कंसिस्ट ऑफ विच गैसेस हम लोग का घर घर जो एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो जो कौन सा गैस से भराया हुआ है बोले द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मीथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन और एलपीजी गैस जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो एक खराब सा स्मेल आता है एक तो पंजन स्मेल आता है वो गैस का नाम क्या है तो उसका नाम है इथाइल इथाइल मरकतम इथाइल मरकेप्टन या उसको हम लोग थायो इथानोल का नाम से भी जाना जाता है थायो इथानोल नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम मेथल केप अंडर सोडियम मेथल को कहाँ में प्रिजर्व किया जाता है बोला राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केरोसिन सोडियम मेथल जो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है हाईली रिएक्टिव होता है उसको हवा में खुला छोड़ देने से ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके वो आग लग जाता है तो इसके लिए हम लोग उसको केरोसिन में डुबा के रखता है और केरोसिन जो बहुत हल्का होता है मीन्स डेंसिटी में सोडियम से कम होता है इसके लिए वो ऊपर लेयर में ही रह जाता है और नीचे में सोडियम जो चला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज सलाइनिटी ऑफ सी वाटर इज सी वाटर का नमक का परसेंटेज कितना होता है बोला द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच एम इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड दुनिया में कौन सा सबसे हार्डेस्ट है बोला सब्सटेंस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डायमंड डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है क्यों होता है ये क्योंकि ये फोर कार्बन से बना हुआ है और चारों ही कार्बन क्या है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है और वो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है जिसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है इसके लिए डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है दुनिया में नेक्स्ट क्वेश्चन वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है एन ए टू सी ओ थ्री ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज यूजली फिल्थ इन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भराया जाता है है? इलेक्ट्रिक गैस में कौन सा सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भराया जाता है बोले ऑप्शन इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन यहां में नाइट्रोजन भराया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करता है। बल्ब का अंदर अगर ऑक्सीजन होने से वो फट जाएगा इसके लिए नाइट्रोजन मीन्स इनर्ट गैस को भराया जाता है नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस में आता है कभी कभी हम लोग आर्गोन को भी यूज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस को भराया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में नेक्स्ट क्वेश्चन विश वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस ये चारों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला है ऑप्शन सी नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस मींस क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देता है ग्रीन हाउस क्या है एरिया में हीट को ट्रैप करके रखता है जिसका वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस है मीथेन भी है पर भी तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विश ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स को फल को पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करता है बोला राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इथाइलिन इथाइलिन को यूज करता है इथाइलिन का फॉर्मूला है सी टू एच फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन इज एफेक्टेड बाई टाइफ टाइफॉइड से कौन सा ऑर्गन जो एफेक्ट करता है बोलाइड right जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका वजह से क्या है यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम है सालमोनेला टाइफी आप लोग ये बैक्टेरिया का नाम को भी याद रखिएगा टाइफोइड का बैक्टेरिया का नाम है सालमोनेला टाइफी तो ये सालमोनेला टाइफी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अटैक करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेक में ही ये तीन चीज पाया जाता है स्प्लिन मसल एंड लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ए मैमल ये चारों में से कौन सा मैमल है बोला है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेबिट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गलवेनाइजेशन गर्बेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज करता है बोला है राइट ऑप्शन डी जो क्या है गर््वनाइजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका वजह से आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट करता है इसका बाहर में हम लोग जिंक से कोट कर देता है जिंक से क्या करता है हम लोग कोटेड कर देते हैं इसको वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता है इसको ये प्रोसेस को बोलता है गर्बेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज बाय वायरस वायरस से कौन सा बीमारी होता है ये चारों में से डायरेक्ट ऑप्शन ए मम्स मम्स होता है वायरस का वजह से तो मम्स क्या है एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हम लोग का लाई सलाव, वेरी ग्लैंस को अटैक करता है सलाई वेली सलाई वेरी ग्लैंस मीन्स मुख का पोर्शन को वो अटैक करता है और बेरी बेरी जो विटामिन बी वन का डिफिशेंसी से होता है उसका बाद टूबर कोलोसिस और डिसेंट्री दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वजह से होता है बैक्टीरिया से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन्स फास्ट लॉ गिव्स द डिफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फास्ट लॉ कौन सा डिफिनेशन को देता है बोला है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इनर्शिया को देता है न्यूटन्स फास्ट लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर इज ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर को यूज़ करता है तो हाइड्रोमीटर का, का काम क्या है हाइड्रोमीटर का काम है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोफोन जो अंडर वाटर साउंड को अंडर वाटर साउंड को मेजर करने के लिए यूज करता है ओडोमीटर जो व्हीकल का स्पीड को नापता है कितना किलोमीटर पर अवर चल रहा है उसको नापता है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज कौन सा मिक्सर से बना हुआ है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कॉपर एंड टिन ये भी बेल मेटल जैसा ही है यहां पर कॉपर का 90 परसेंट लेता है और टिन का 10 परसेंट दोनों मिलके ब्रॉन्च बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूट्रल सोलूशन हैज वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोलूशन का पी एच वैल्यू कितना होता है बोला ऑप्शन ऑप्शन सी न्यूट्रल बीच में होगा सिक्स फाइव फोर ऐसा चला जाएगा और एट नाइन करके लास्ट में फोर्टीन तक जाएगा ये तो सेवन का अगर नीचे चला जाने से क्या होगा वो एसिडिक हो जाएगा एसिड की तरफ चला जाएगा सेवन से अगर ऊपर जाने से वो बेसिक तरफ चला जाएगा ठीक है ना तो न्यूट्रल मींस एग्जैक्ट सेवन में होगा एग्जाम्पल है प्योर वाटर प्योर वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कोल कोयला जो क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकता है इसके लिए हम लोग कोल पेट्रोलियम यह को जुडिशियसली यूज करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलिसा टेस्ट इज रिलेटेड टू राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एड्स एलिसा का फुल फॉर्म क्या है एलिसे का एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंग एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेन ऐसे और एड्स का तो मालूम है आप लोग इम्यूनो सॉरी एक्वेड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम तो एलिसा एलिशा जो एड्स को रिलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज ब्लड प्रेशर नॉर्मल कौन सा ह्यूमन बॉडी में ऑप्शन ऑप्शन सी 120 ट्वेंटी बाई एट्टी मिलीमीटर ऑफ एच जी तो वन ट्वेंटी बाई एट्टी जो क्या है ये सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको हम लोग सिस्टोलिक और नीचे का 80 को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन What does ozone layer absorb? Ozone layer जो कौन सा rays को absorb करता है बोला है। The right option is option D. Ultraviolet rays. Ultraviolet rays से बहुत danger होता है। जैसे कि sun से बहुत सारा rays आता है। तो ultraviolet को ozone जो absorb करके रोक देता है। जो कि हम लोग का ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है अगर जमीन तक पहुंच गया तो हम लोग को वो नुकसान पहुंचेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग बींग्स लोग को तो ओजोन जो उसको एब्जॉर्ब करके हम लोग को बचा के रखता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है छोटा छोटा दो न्यूक्लिया मिल मिलके एक बड़ा न्यूक्लिया बनाता है ऐसा प्रोसेस में क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है लार्ज एनर्जी इज रिलीज लार्ज एनर्जी रिलीज करता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटा छोटा न्यूक्लिया में बदल जाता है इसमें थोड़ा कम एनर्जी रिलीज होता है इन कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन तो हाइड्रोजन बम जो बहुत डेंजर है नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस विटामिन ए का वजह से कौन सा बीमारी होता है रेड ऑप्शन इज ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस बेरी बेरी जो विटामिन बी वन का वजह से होता है डर्मेटाइटिस विटामिन डी का वजह से होता है स्कर्वीजो विटामिन सी की वजह से होता है आप लोग ये फैक्चुअल क्वेश्चन लोग को भी अच्छा से याद करके जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन कोल्ड ड्रिंक्स कॉन्टेंट बीस गैस हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है पेप्सी कोका कोला वगैरह में कौन सा गैस होता है बोला राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को कैफीन के तौर पे यूज़ किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग ज़्यादा नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइटेस्ट गैस इन इज इटमोस्फेयर में सबसे हल्का गैस कौन सा है राइट ऑप्शन right on ऑन earth is? दुनिया में सबसे भारी कौन सा मेटल है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑस्मियम ऑस्मियम जो three टाइम्स भारी होता है आयरन का कंपेयर में तो ऑस्मियम जो सबसे भारी होता है दुनिया में नेक्स्ट क्वेश्चन विश ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल ए ब्लड बैंक किसको ब्लड बैंक कहा जाता है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्प्लिन को ब्लड बैंक का नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द स्काई विल अपीयर ये अपीयर होना चाहिए ए आर एटमॉस्फेयर नहीं होने से स्काई कैसा दिखाई देगा बोला रेड ऑप्शन इज ऑप्शन सी ब्लैक क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग ही नहीं होगा स्केटरिंग नहीं होगा तो क्या होगा डार्क ही नजर आएगा स्काई जो इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स लोग को भी एस्ट्रोनॉट्स लोग को भी स्काई जो डार्क नजर आता है बोला क्योंकि स्पेस में एटमोसफेयर नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज एलईडी का फुल फॉर्म क्या है एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बेंबू बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बेंबू कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है बोले राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ग्रास नेक्स्ट क्वेश्चन श ऑफ द फोलोइंग कंपाउंड इज मेनलीज ऑप्शन डी अल्कोहल अल्कोहल को यूज करता है में. लास्ट क्वेश्चन नेम द मेटल विच इज मोस्ट सा मेटल है सबसे डक्टाइल है बोला का मीनिंग क्या है जो कि वायर में बना सकता है बोला है। वायर जैसा हम लोग खींच सकता है तो द राइट ऑप्शन ऑप्शन ए गोल्ड गोल्ड जो सबसे डक्टाइल है गोल्ड का दो ग्राम जो दो किलोमीटर लंबाई तक रस्सी बना सकता है बोला है। तो सो, सोच के देखिए गोल कितना डकताइल होगा तो इसके लिए गोल जो डकती में नंबर वन में आता है तो आज का वीडियो इतना में ही समाप्त करेगा थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग पी पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आ, तो इसी तरह आप लोग बने रहेगा मेरा चैनल में थैंक यू एवरी वन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो